फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। फ्रेंड्स एक बड़ी न्यूज़ आ रही है निकल के कि जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है, ठीक है, चाहे जो अभी काम कर रहे हैं या अभी जो अभी इंट्री करेंगे, जैसे कि RRB ग्रुप डी के अभी नई नई पोस्टिंग हो रही है, LP का होगा, टेक्नीशियन का होगा, JEE का होगा, NTPC वाले जितने भी है, तो एक बात चल रही है एंड कई कई जोन्स में ये बिल पारित भी होगी, ठीक है, लेकिन अभी फाइनल मुहर नहीं लगा, लेकिन ऑन द प्रोसेस है, हो सकता है कि ये लागू भी हो जाए। तो बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स एंड बहुत यूनियन इसको अपोज भी कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि 60 साल नहीं बल्कि 55 साल में अब रिटायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इस पूरे न्यूज़ को अच्छे से समझते हैं और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो प्रोफॉर्मा दिया गया है उसको भी अच्छे से देखते हैं, ठीक है। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं देखिए आप वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये जारी किया गया परफॉर्मा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है मोस्ट अर्जेंट, ठीक है। अब सोच सकते हैं कि ये परफॉर्मा कितना इम्पोर्टेंट है कि ऊपर में मोस्ट अर्जेंट करके इसको निकाला गया, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इस चीज़ को लागू भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट अर्जेंट करके बाकी जोन्स में भी ये बात चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये खबर और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चर्च गेट, मुंबई, ठीक है। दिनांक डेट भी दे सकते हैं, इसी महीने की है, 26/7/2019। ये कोई पुरानी खबर नहीं है, नई खबर है, ठीक है। ऐसी नहीं कि आप समझिएगा कि बहुत पहले की बात है, ये अभी नई नई हो सकता है लागू हो जाए 2020-21 में, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी नए नए पोस्टिंग हो रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रिव्यू किया गया था, इससे पहले भी एक परफॉर्मा दिया गया था, उसको रिव्यू करके फिर से ये एक डिटेल परफॉर्मा दिया गया, ठीक है। सब्जेक्ट देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स, पीरियोडिकल रिव्यू अंडर रूल 1802, 1803, 1804, R2 1987, ठीक है। यहाँ पर देख सकते सब्जेक्ट में लिखा गया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्री मेच्योर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स, ठीक है। नीचे आके देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर EPA, ठीक है, इतना डेट, इतना RB नंबर, देखिए पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ स्टाफ हु विल बी अटेंडिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स और विल बी कंप्लीटिंग 30 ईयर्स। यहाँ देखिए 55 ईयर्स या 30 साल की सर्विस हो जाती है, क्वालिफाइंग फॉर पेंशन इज टू बी डन, ठीक है। मतलब 55 साल और 30 साल यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका रिव्यू किया जाएगा स्टाफ का। देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ इन द इनक्लोज्ड प्रोफॉर्मा हु विल बी अटेंडिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स और विल बी कम्प्लीटिंग 30 ईयर्स ऑफ सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन विच एवर अकर्स अर्लियर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 2020। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2020 तक, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2020, तो हो सकता है ये प्रोफॉर्मा आ भी जाए एंड आपके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में ये लागू कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए द अबव इंफॉर्मेशन शैल बी सबमिटेड टू दिस ऑफिस बाय 9/8/2019 पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये अभी जो कि 55 साल कंप्लीट होने वाले उनका ये फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका करने के पीछे एक मेजर रीज़न यही था कि 55 प्लस के जो एम्प्लॉय थे उनका एज ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एंड वर्क लिमिट्स भी काफ़ी कम हो जाते थे उनके,
ठीक है, जिसके वजह से ये स्टेप ले गया। लेकिन 55 ईयर्स के बाद भी उनको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। 5 ईयर्स का गैप जो होगा, हो सकता है उसमें उनको कुछ कुछ अलाउंसेस ना मिले, लेकिन बाकी के अलाउंस, बेसिक पे, डीए, ये सब वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। और नए कैंडिडेट के लिए हो सकता है, यदि ये लागू हो जाए तो डेट मीन्स 30 ईयर्स या 55 ईयर्स तक उनका सर्विस बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोफॉर्मा फॉर रिव्यू ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी स्टाफ फॉर रिटेंशन और अदरवाइज इन सर्विस बियॉन्ड 55 ईयर्स ऑफ एज या 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑफिस नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन सर्विस, कंप्लीशन, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये एक नोटिस दिया गया, उसका एक पूरा प्रोफॉर्मा भी निकाला गया इससे रिलेटेड, ठीक है। प्रेजेंट डिजाइनेशन, प्रेजेंट ग्रेड, स्टेशन नाउ एम्प्लॉयड, देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, डिजाइनेशन फ्रॉम टू, ठीक है। पीएफ पेंशन, डिजाइनेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ देखिए असेसमेंट टू, परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स सर्विस, लास्ट 5 ईयर्स का सर्विस भी मांगा जा रहा है कि कैसा उनका रिपोर्ट रहा था, तो ठीक है। इससे ये साबित हो रहा है कि रेलवे चाह रही है कि जो जो एम्प्लॉय है वो 55 ईयर्स के बाद या उसके पहले जो सर्विस है उनका, वो पूरा डिटेल से पता किया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए सिग्नेचर, नेम, डिजाइनेशन, देखिए रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ड्यूरिंग हिज इंटायर कैरियर, और ये इंटायर कैरियर के ऊपर भी है और ये लास्ट 5 ईयर्स के ऊपर भी है, ठीक है। अटेंडेंस देखिए यहाँ पर फुल, सिक लीव, सारे कुछ डिटेल यहाँ पर इस परफॉर्मा में फिलअप करना है उन एम्प्लॉय को, ठीक है। तो इस नोटिस और ये परफॉर्मा देख के, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है, तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये चीज़ लागू भी हो, क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा है। देखिए अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड ओपन लाइन में अभी जितने भी काम करते हैं वो मेनली सुपरवाइजर लोग ही काम कराते हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हद तक रेलवे के ओपन लाइन में भी आ चुकी है, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आने वाले वक्त में एज लिमिट को भी घटाया जाए, ठीक है। तभी इसका पूरा पुख्ता सबूत नहीं हुआ, लेकिन ये एक वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया परफॉर्मा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।